तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे 16:9 का लेना है फ्रेम। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करना है। ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इसकी ड्यूरेशन आपको जितनी भी रखनी है रख लो, 8-10 सेकंड से ज़्यादा मत रखना, ठीक है। 8-10 सेकंड मैंने भी रखा हुआ है, तो उसको क्या करना है अपने हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा। हैंड राइटिंग में एक स्क्वायर वाला होगा, तो वहाँ पे आप बगल में देखो कलर का ऑप्शन है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। मैं ब्लू किया हूँ, तो आप ब्लू ऐसे ही सेलेक्ट करना। फिर यहाँ पे देखो आपको अपने हिसाब से सेट करना है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देना, ठीक है। टेढ़ा करने के बाद ऊपर इसको ऐसे इस तरह से लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेना। फिर इसके डुप्लीकेट लेयर बना के इसको सीधा से सीधा जैसा है वैसे नीचे भी लगा देना, ठीक है। फिर आपको इसमें एनिमेशन देना है, आप यहाँ पे देखो आप एनिमेशन दे देना एक, ठीक है। स्लाइड डाउन का, स्लाइड अप का एनिमेशन दे देना, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसके लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना होगा आपको, एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं लिख दे रहा हूँ। फिर आपको कोई सा भी फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है, मैं एक डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ फैकॉन का, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में कि कैसे डाउनलोड करना है, बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आप यहाँ पे लिख देना। फिर इसको क्या करना, इसको सेंड टू बैक करना। इससे क्या होगा, जो हमारी जो पीछे वाली लेयर है ब्लू वाली, उसके वो नीचे से आएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। इसको एनिमेशन देना होगा, ठीक है, इसको एनिमेशन दे देना आप। स्लाइड डाउन का, स्लाइड अप का दे देना, ठीक है, स्लाइड डाउन का। और स्पीड आपको रखनी है 2 या 1.5 रख देना, ठीक है। तो एक बार आप प्ले करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो आप ये देख सकते हो पीछे से उसकी आ रही लेयर, ठीक है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। फिर आपको क्या करना है, ओवरले पे जाना है। फिर आपको एक चीज़ डाउनलोड करनी है, लेवल अप का एक वो स्टिकर मान लो, ठीक है, लेवल अप का एक स्टिकर होगा, तो आपको ढूंढना है कहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्शन वाले सेक्शन पे जाना, फिर यहाँ पे आप नीचे देखना, तो आपको दिख जाएगा लेवल अप का ऑप्शन, ये डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ऐसे जो हमारी डाउनलोड हो जाएगी, फिर यहाँ पे कट कर देना यहाँ से, ठीक है। फिर आप देख सकते हो लेवल अप का ऑप्शन ओवरले में आ चुका है। फिर यहाँ से आपको एक फ्रेम सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक फ्रेम है, ठीक है, ये वाला फ्रेम आप ले लेना। इसको जो फुल साइज हो गई, तो उसको छोटा कर लेना, अपने हिसाब से लगा देना, ठीक है। फिर जैसे ही आप अपने हिसाब से लगाते हो, इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेना, ठीक है, इसकी डुप्लीकेट लेयर। एक सेकेंड, इसको एडजस्ट अपने हिसाब से करना। फिर इसकी डुप्लीकेट लेयर बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाजू में उसको लगा देना है, ठीक है। फिर देखो क्या करना है, अपने हिसाब से पहले छोटा बड़ा, अगर ना हो छोटा बड़ा ना हो अपने हिसाब से सेट कर लेना यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से देखो थोड़ा एडजस्ट कर लो, तब यार अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये देखो शुरुआत से तो काफ़ी अच्छी लग रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ दिक्कतें हैं, तो अभी लास्ट में उसको सही कर लूँगा, ठीक है। इसको फुल कर लेना जितनी भी है, जो ब्लू वाला हमारा स्क्वायर वाला है, उसको जो पूरा पूरा फुल ड्यूरेशन कर देना, ठीक है। और जो हमारी थैंक्स फॉर वॉचिंग है, उसको बीच में ही रहने देना, क्योंकि जब स्टार्ट होता है आउट्रो, तो लास्ट में ही थैंक्स फॉर वॉचिंग अच्छा लगता है। तो भाई देखो अब क्या करना है, आपको लेवल अप के ओवरले में एक बार और जाना है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। फिर आपको ओवरले में जाना होगा, एक सेकेंड में एडजस्ट कर लूँ यार। तो आपको ओवरले में जाना होगा, ओवरले में जाके लेवल अप में ही जाना होगा, ठीक है। लेवल अप में जाने के बाद आपको ये वाला जो स्टिकर है वो आपको बीचों बीच सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको आपसे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो जो सब्सक्राइब का लास्ट में आउट्रो वाला होता है ना, आप उसको यहाँ पे सही सेट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना, क्योंकि यार देखो दिक्कत बहुत होगी जब आउट्रो लगाओ यूट्यूब पे ना, वीडियो अपलोड करते समय तो दिक्कत आएंगी। तो यहाँ से आप देखो आराम से अपने हिसाब से सेट कर लेना, दोनों बराबर होने चाहिए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो इसको आप लोग फेड का ऑप्शन दे देना, जितनी भी स्टिकर लगाया आपने सब पे फेड का ऑप्शन दे देना, मतलब फेड का एनिमेशन दे देना, ठीक है। फिर उसको आपको क्या करना है, फुल पे फुल ड्यूरेशन कर देना है। तो आप एक बार मैं प्ले करता हूँ, रुक जाओ अभी एडजस्ट कर लूँ अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, उसी फ्रेम के नीचे जैसे प्रीवियस वीडियो में ये लिख रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में लिख रहा हूँ, उस फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना एक अच्छा से, ठीक है। तो अब मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फ्रेम के नीचे लगा रहा हूँ, इसको भी मैं दे दे रहा हूँ स्लाइड अप का एनिमेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से दे सकते हो या फेड का ही दे देना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो सेकंड वाली फ्रेम है उसके नीचे भी हमको टेक्स्ट लगानी है, तो टेक्स्ट पे भी मैं टेक्स्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वॉच नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वॉच दिस वीडियो, ठीक है। तो ये लिख दे रहा हूँ,
तो आपको ये रेड 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 फ्रेम दिख रहा होगा ब्लू से रेड। तो मैं क्या किया हूँ, जो ब्लू वाला फ्रेम मैंने लिया हुआ था, सॉरी ब्लू वाला जो मैंने स्क्वायर वाला लिया था, तो उसको मैंने हटा दिया। अब देखो जो वॉच दिस वीडियो है, इसको क्या करना, सेंड टू बैक कर लेना। मैं ये सेंड टू बैक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यार जो रेड वाला है ना, जो स्टिकर आप रेड वाला स्क्वायर है ना, तो आप उसके नीचे से आएगी और इसको फेड के एनिमेशन दे देना। अब मैं आपको देखो प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो जो वॉच दिस वीडियो था, ये देखो हमारी नीचे से आ रही। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यार, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। अब देखो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, जितना टेक्स्ट वैक्स है ना, सबको फुल लैंड कर लेना, ठीक है। जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार प्ले करके देखना, अच्छे से बनी है तभी ये वीडियो को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अभी देख सकते हो तो काफ़ी अमेजिंग आउटरो लग रहा है यार। देखो ये इस वीडियो के एंड में लगाने वाला हूँ, ठीक है। आपको शुरुआत में तो दिखा ही दिया हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, इसको फुल लेंथ कर लेना अपने हिसाब से। जितनी भी अब लास्ट वाली जो बची है हमारी, सबको एक साथ फुल लेंथ कर लो, ठीक है। जैसा कि मैं सबकी फुल लेंथ बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो फटाफट मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सबकी हो गई, तो अब जो अलग से इसका पार्ट निकल रहा है, एक बार प्ले करके देख लो यार, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। अब जो ये रेड रेड है, उसको पिंक रखो, ब्लू रखो, येलो रखो, वाइट रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने हिसाब से रखना, ठीक है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको ट्रिम टू राइट कर देना, ठीक है। अभी देखो जो हमारी लास्ट में वीडियो जब ख़त्म होती है, तो यही वीडियो रहती है, यही वीडियो स्क्रीन पर दिखाती है। तो आप उसको देखो फेड का, लास्ट में फेड का एक अभी दिखा दूंगा आपको क्या कैसे है, ठीक है। फेड का ऑप्शन दे देना वीडियो में ही। तो अब देखो यहाँ पे एक देख सको सर्कल का ऑप्शन, वीडियो पे आपको क्लिक करना होगा, उसको नहीं, वीडियो का ऑप्शन क्लिक करना। ये देखो वीडियो फेड आउट है, ठीक है। इसको 0:25 का ऑप्शन दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करना। अब देखो प्ले करके मैं जब दिखाऊंगा, तो ये वीडियो मेरी एंड होगी, तो एंड में देखना कैसे एंड होगी, ठीक है। अभी देखना एंड में भाई, ये वीडियो यहीं तक थी। और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, ये आउटरो पसंद आया कि नहीं, आपको कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो काइन मास्टर के ऊपर, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।